सोलन हिमाचल प्रदेश राज्य का जिला मुख्यालय है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नगर परिषद। यह राज्य की राजधानी शिमला से 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 5,200 फीट की औसत ऊंचाई पर इस जगह का नाम हिंदू देवी शूलिनी देवी के नाम पर रखा गया है। हर साल जून के महीने में देवी का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ठोड़ो मैदान में 3 दिवसीय मेला होता है। क्षेत्र में विशाल मशरूम की खेती के साथ साथ चंबा घाट में स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय के कारण इसे भारत के मशरूम शहर के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र में टमाटर के थोक उत्पादन के संदर्भ में सोलन को लाल सोने के शहर के रूप में ताज पहनाया गया है। यह शहर कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंडीगढ़ और शिमला के बीच स्थित है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित कालका शिमला नैरोगेज हेरिटेज रेलवे लाइन सोलन से होकर गुजरती है और एक मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल है। पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित सोलन हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों में बसा है। सोलन में प्राचीन मंदिर और मठ हैं और शहर में देश के सबसे पुराने ब्रूरीज में से एक है। इस शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित 300 साल पुराना किला भी है। शूलिनी माता मंदिर और जटोली शिव मंदिर पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थान है। बंडुंग मठ इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। सोलन का इतिहास पांडवों के युग में वापस चला जाता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ रहते थे। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं से भगाट राज्य पूर्व सोलन जीता। गोरखा किला या अर्की किला अभी भी सोलन शहर के पास एक पहाड़ पर खड़ा है और यह सोलन के ऐतिहासिक पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह शहर भगाट रियासत की राजधानी रहा है। प्रारंभ में भगाट राज्य का राज्य मुख्यालय बुचली परगना के भोज में स्थित था, लेकिन यहाँ छावनी के निर्माण के बाद राज्य का मुख्यालय सोलन में स्थानांतरित कर दिया गया था। सोलन का इतिहास भगाट की पूर्ववर्ती रियासत के साथ जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों द्वारा यहां एक छावनी का निर्माण किया गया था। सोलन छावनी अभी भी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा और सबसे सुनियोजित हिस्सा है, इसीलिए इमारतों को योजनाबद्ध तरीकों से बनाया जाता है। सोलन छावनी में चर्च लकड़ी और पत्थर की नक्काशी के साथ एक विरासत इमारत है। इसमें ढलान वाली छतें और मेहराब हैं जो ब्रिटिश वास्तुकला की याद दिलाते हैं। सोलन शहर में विरासत भवनों की सूची इस प्रकार है: शूलिनी देवी मंदिर, क्राइस्ट चर्च कसौली, सोलन छावनी में चर्च, सोलन रेलवे स्टेशन, बरोग रेलवे स्टेशन, हरि मंदिर, एक प्रसिद्ध भगवान कृष्ण मंदिर, सलमान रुश्दी शिल्ली रोड का पुश्तैनी घर, सेंट ल्यूक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जटोली मंदिर, सोलानी, मोहन शक्ति राष्ट्रीय विरासत पार्क, मोहन मिकिन लिमिटेड, डोलंजी बॉन मठ सोलन, माउंट करोल, चंबा घाट, सोलन में पांडवों की गुफा। सोलन में घाघरा सूट
एक पारंपरिक पोशाक है, हालांकि यह ज़्यादा आम नहीं है और इसे केवल सांस्कृतिक नृत्य आदि के दौरान ही देखा जा सकता है। जबकि पारंपरिक आभूषणों में महिलाएं नौ लड़ी हार, चाक, गजरू पहनती हैं। पहाड़ी गिद्दा या परुहन सोलन जिले का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य मूल रूप से सोलन जिले के एक छोटे से कस्बे कुनिहार का है, जिसे सोलन जिले का सांस्कृतिक गांव कहा जा सकता है। यह नृत्य महिलाओं के समूह द्वारा तेज पारंपरिक गीतों पर किया जाता है। यहाँ थोड़ा नृत्य नामक एक ऐतिहासिक नृत्य भी हर साल जून के महीने में शूलिनी मेले के दौरान किया जाता है। थोड़ा नृत्य मूल रूप से तीरंदाजी पर आधारित नृत्य है। इस नृत्य में धनुष और तीर का उपयोग किया जाता है। लोग नाटी करना भी पसंद करते हैं, जो कि अधिकांश हिमाचलियों का पारंपरिक नृत्य है। लोग इसके लिए अपने सांस्कृतिक परिधान पहनते हैं। पर्यटन और अन्य आकर्षण। बडोग। जो पर्यटक कालका से टॉय ट्रेन में शिमला की ओर जाते हैं, उन्हें बडोग का प्राकृतिक सौंदर्य अभिभूत कर देता है। सोलन से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल सबसे लंबी रेल सुरंग के लिए भी जाना जाता है। चीड़ के सघन वनों से महकता बडोग पर्यटन स्थल साल भर सैलानियों को लुभाता है। यदि आप इस स्थान पर जा रहे हो तो आप अपने साथ कैमरा ले जाना ना भूलें। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों को कैमरे में कैद करने का अलग ही मज़ा है। करोल गुफा। सोलन के दर्शनीय स्थल में यह गुफा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह गुफा हिमालय की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी गुफा मानी जाती है। इस गुफा को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं व किंवदंतियां प्रचलित हैं। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 7000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है तथा सोलन से करोल गुफा 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सनावर। सोलन से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान अपने 150 साल पुराने पब्लिक स्कूल, चर्च तथा सौर ऊर्जा से संचालित स्विमिंग पूल के लिए जाना जाता है। यहाँ सन 1914 से 18 के युद्धों में शहीद हुए लोगों की स्मृति में एक स्मारक भी बना है। बोध मठ। सोलन से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मठ तिब्बत के सबसे प्राचीन धर्म बान का अध्ययन केंद्र है। चीन के बाद बान धर्म का विश्व में यह दूसरा मठ है। यहाँ विशेष अवसरों पर लोक नृत्यकों द्वारा जो मुखौटा नृत्य पेश किया जाता है वह दर्शनीय है। डगशाई। सोलन से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पर्यटन स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता व आकर्षक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घूमने का अपना ही मज़ा आता है। ब्रिटिश काल में इस स्थान को दागेशाही कहा जाता था। यहाँ की ऐतिहासिक जेल से जब कैदियों को रिहा किया जाता था तब उनके माथे पर एक दाग लगा दिया जाता था। इस दाग की वजह से ही इस स्थान को दागेशाही कहा जाता था, जो कि धीरे धीरे डगशाही हो गया। कसौली। एकमात्र ऐसा पर्वतीय स्थल है जो मैदानी इलाकों के बिल्कुल करीब पड़ता है। यहाँ सैलानियों को अन्य पर्वतीय स्थलों के थका देने वाले सफर जैसी असुविधा नहीं उठानी पड़ती। कालका से इसकी दूरी केवल 35 किलोमीटर है। यूं तो कसौली शिमला की तरह पहाड़ पर बसा हुआ है, फिर भी कई मायनों में यह शिमला से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसे पर्वतीय सैरगाह के रूप में विकसित करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है।
मंकी पॉइंट कसौली का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ हनुमान जी का एक खूबसूरत मंदिर भी है। यहाँ हर समय हरितिमा बिछी रहती है। सर्दियों के मौसम में जब बर्फ गिरती है तो यहाँ का सौंदर्य देखना ही बनता है। यहाँ से कसौली का मनोरम दृश्य भी दिखाई पड़ता है। घरेलू स्तर पर सोलन पहुँचने के लिए शिमला हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। दिल्ली और चंडीगढ़ से कई प्रमुख एयरलाइंस शिमला के लिए संचालित होती हैं। ये शहर सोलन रेलवे स्टेशन द्वारा रेलवे के माध्यम से अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कालका और सोलन के बीच टॉय ट्रेन चलती है, जो नैरोगेज लाइन है। कालका से सोलन जाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प टॉय ट्रेन है। सोलन रोडवेज के माध्यम से दूसरे राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ जाने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ और भी बड़े शहरों से सीधी बस सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा आप खुद ड्राइव करके या टैक्सी भी कर सकते हैं। फॉर मोर एंटरटेनमेंट प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द रूट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।